तेज चला ले भाई, तेज चलाऊं। ओके भाई, तो भाई कह रहा थोड़ी तेज चलाते हैं, अब भाई को अपना बीस्ट मोड ऑन करते के दिखाते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट अपना अपलोड डाला था कि भाई मैंने अपना मोटो व्लॉग सेटअप जो है कम्प्लीट कर लिया है, तो मैं आज उसकी टेस्टिंग करने वाला हूँ। तो आपको दिखाना था कि भाई देखो, मैं फ़ोन से मोटो व्लॉग करता हूँ और माइक भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ भाई, अब मैं थोड़ी देर में शूट करने वाला हूँ, तो जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसमें आप कौन सा देने वाला, दो तीन दिन बाद वीडियो आ जाएगी। गेस्ट के साथ मिले और ये वीडियो कॉल है आपके क्वेश्चन है आपको गाइज। हेयर इज माई शू 100 और अभी निकल रहा हूँ मैं शॉप के लिए। जैसे कि मैंने अपना कल व्लॉग डाला था जिसमें मैंने अपने हेलमेट पर ऑडियो माइक लगाया था और अपना सेटअप लगाया था, तो ऐसी कुछ क्वालिटी आती है भाई मेरे मोटो व्लॉग सेटअप की, जैसे कि आप देख रहे हो। ऑडियो क्वालिटी बताओ कमेंट सेक्शन में कैसी आ रही है। इधर से भाई, सीधा से। और आपको पता है जैसे कि हरियाणा में कहीं कहीं जगह पर शॉप अलाउ कर दिए खुलने का, और थोड़ा मतलब शेड्यूल रखा है, 9 बजे से लेकर आप 4 बजे तक शॉप खोल सकते हो। तो हमारी 2 शॉप्स हैं, एक ज्वेलरी की है तो एक मोबाइल की है। मोबाइल और ज्वेलरी की शॉप का टाइम एक ही है, तो अभी मैं जा रहा हूँ मोबाइल वाली शॉप पर, क्योंकि भाई बहुत दिनों के गया नहीं और बाइक को चलाया भी नहीं, मोटो व्लॉग भी नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो आज चलते हैं भाई के साथ शॉप पर। वो सारा रास्ता टूटा हुआ है भाई साहब इस टाइम, और भाई हवा भी डलवानी है, मुलाना से ही डलवाएंगे भाई शॉप के पास, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम है। मतलब अराउंड होगी इसमें 16-17 PSI होगी बस। ओ भाई गड्ढे ही गड्ढे हैं यार यहाँ पर। पेट्रोल पंप देखो बिल्कुल खाली हालत में भाई साहब बाइक की आवाज़ भी चेंज हो गई है, कूलेंट 1% भी नहीं बचा मेरी बाइक में, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सिर्फ इंजन हल्के, बाकी सब कुछ सर्विस होने के लिए रेडी है। पर अब क्या करें यार, लॉकडाउन है, अब यार बाइक तो देखो चलेगी, अब देखो शॉप पर जाना होता भाई ने। ओह भाई साहब क्या व्यू आ रहा है, अब आया थोड़ा क्लियर व्यू और रोड बढ़िया मिला भाई साहब। इस हेलमेट की एक खासियत है, जो इसका वाइज़र है मिरर वाला 10 प्रोटेक्टेड है, और अंदर से ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल भी आंखों पे चुभन नहीं लग रही यार धूप की। और एक बार अपनी हरियाली देखो भाई, कितनी बढ़िया लग रही है यार, व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। 6th gear है अभी और 55 की स्पीड पर चल रही है मेरी बाइक। ये देखो ABS नहीं काम कर रहा मेरी बाइक का, ये देख रहे हो ना, ये लाइट चल रही है जो, ये देखो एक बार बताओ यार मेरे फोन की क्वालिटी कैसी लगती है भाई। अभी मैं वाइड एंगल पे शूट कर रहा हूँ इसको और विद माइक्रोफोन के साथ यूज कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने अपना सेटअप पूरा किया है कंप्लीट, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तो एक बार चेक इट आउट कर लेना, उसको चेक कर लेना। और मतलब इस बजट रेंज में मेरे को इससे अच्छा हेलमेट कहीं नहीं मिला भाई। एक वेगा का कारा था, उसका हेलमेट का नाम ही ऐसा कारा, उसकी यार लुक बहुत ज़्यादा अजीब सी है, और वो ऊपर से एरोडाइनमिक नहीं है, जो कि मेरे को RS के साथ एरोडाइनमिक चाहिए जो हवा को काटे,
जो स्पीड को मतलब सही रखे, बैलेंस कर रखे, और वो मेरे को सिर्फ थंडर में मिला है फीचर, क्योंकि एरोडायनेमिक है। तेज चलाऊं? ओके भाई, तो भाई कह रहा थोड़ी तेज चलाते हैं, अब भाई को अपना बीस्ट मोड ऑन करते के दिखाते हैं। लेट्स गो। तो 70 पर चलाएंगे इसको, 70-75 पर। अभी ये भी पता लग जाएगा कि भाई ऑडियो क्वालिटी में मतलब विंड ब्लास्ट कैसा आता है। सिक्स्थ गियर है अभी, और बाइक की हैंडलिंग देखो, एक हाथ छोड़कर चला रहा हूँ, कितना ज्यादा स्टेबल है इसका हैंडल। आर एस का मेरी माता दी अभी 80 पे चल रही है, और कोई वाइब्रेशन नहीं है यार इस टाइम पर। ब्रेक देना चाहिए भाई, चाहे वो गियरलेस मशीन है या गियर वाली मशीन है। भाई देखो, ब्रेकिंग तो ठीक है, पर इसके पैड जो है वो भी ख़त्म हो पड़े हैं यार। भाई बहुत दिक्कत है यार। क्या हुआ? तितली? नहीं तितली नहीं भाई। हाँ ओ भाई 79, 80, 81, 82, 83, और ये टर्न बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, तो इस पर मैं क्या करता हूँ, स्लो करता हूँ बाइक को, और आराम से हम कट लेकर अपना ऐसे मोड़ेंगे भाई। थोड़ा सा कॉर्नरिंग करने का मज़ा भी भाई अलग ही आता है यार। एक बार एंगल बताओ कैसा आ रहा है, तो मैं इसी को फिट कर दूंगा अपने, मतलब यहीं पर पूरा फिक्स कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ टेस्टिंग कर रहा हूँ अपने हेलमेट की। हेलमेट काफ़ी कंफर्टेबल है यार, बस मेरा फ़ोन थोड़ा यार हैवी है, 600mAh है, और फ़ोन यूज़ करता हूँ M30S 128GB वाला वेरिएंट है जो, ठीक है भाई, तो आप देख लो क्वालिटी कैसी है। इससे मैं व्लॉगिंग करता हूँ, इससे मोटर ब्लॉग करता हूँ, इसी से एडिटिंग करता हूँ कभी कभार, ठीक है ना भाई। तो देख लो भाई सब कुछ, मेरे को ये फ़ोन पड़ा था 15,000 का भाई, टोटल कम्प्लीट विद बिल, विद कवर भी दिया था भाई ने, सब कुछ सही दे दिया था फ्री में। पर आप भी क्या करो यार, लाइक कर दिया करो वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है अगर आपने अभी तक यहाँ देख लिया वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बिना मत ही जाना यार, ठीक है ना भाई, क्योंकि बढ़िया बढ़िया व्लॉग आने वाली, हम भी राइड पर जाएंगे, फिर ये रोड जाता है सीधा अम्बाला की तरफ और चंडीगढ़ जैसे मंसूरी, तो वहाँ पर ये रोड को भी हम ज्वाइन करने वाले हैं, और ये जो सीधा रोड है वो जाता है हमारा पोंटा साहिब की तरफ, जो कि है यमुनानगर का रोड एक्सप्रेस है ये, और काफ़ी अच्छा रोड है। यहाँ पर बाइक या फोर व्हीलर चलाने का बहुत मज़ा आता है। यहाँ पर मैंने अपनी पल्सर स्टॉप स्पीड लगाई थी 145 की, और मज़ा आ गया था भाई, क्योंकि ये रोड बिल्कुल प्लेन है, साफ है, सही है, इसमें कोई ज़्यादा बम्प्स नहीं है। ऊपर फ्लाई ओवर है हमारा तो नहीं है, गवर्नमेंट का है बेसिकली। अगर यहाँ पर इस टाइम सुपर बाइक होती तो क्या आवाज़ आती, पुलिस वाले, पुलिस वाले। जय माता दी। सामने यहाँ पर देवी मंदिर है, और ये देखो बैल, लेट हो गए भाई हम थोड़ा, और एक बहुत जल्द एक आपके लिए वीडियो आने वाली है सब लोगों के लिए, जो कि भाई इंडिया के मोस्ट फेवरेट बाइक है, जो कि मतलब जो होते हैं ना थोड़े क्या बोलते हैं, जैसे कि 18-19 एज के लड़कों के लिए वो वीडियो, एक बाइक है यामा की RX 100, अगर आपको पता हो तो मैं उसकी वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब कर लो, स्टे ट्यून उस वीडियो के लिए, तो थोड़ा वेट करो। और हम पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। ओ भाई साहब, पल्सर में भी भाई बहुत कमर की वाट लग जाती है भाई,
यही तो गलत बात है भाई, गलत बात है, क्यों लगा देते हैं भाई ऐसी किसी किसी के शॉप के आगे। भाई लवली शॉप द फोन शॉप जैसे कि आप देख रह सकते हो, अभी अंदर चलते हैं फिर करते हैं आपसे बात। अभी लगाते हैं स्टैंड पर यार बाइक को। कमर भाई साहब, कमर कमर कमर, ये देखो भाई मेरी बाइक की हालत क्या हुई पड़ी है इस टाइम, समझ सकते हो यार आप। अलॉय बढ़िया लगता है बस मेरे को अपनी बाइक्स के, जो कि हमने खुद ही करे थे। तो चलो अभी मिलते हैं सीधा यार शॉप के अंदर। जैसे कि आप सब लोगों ने आज की वीडियो देखी होगी, जब मैं 80-90 की स्पीड पर जाता हूँ तब मेरी आवाज़ थोड़ी सी फटने लग जाती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद हेलमेट में थोड़ी हवा जाती है। तो मैं माइक की जो लोग वो है प्लेस है मैं थोड़ी चेंज कर दूंगा, माइक को यहाँ पर लगा लूँगा। उस दिन में जब मैंने कल वीडियो शूट करी तो मैंने माइक मुँह पे सामने लगाया था। जब मैं 60 तक होता हूँ तब बढ़िया वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है, बट जैसे मैं 80-90 क्रॉस करता हूँ तब थोड़ी फटने लग जाती है। तो ऐसा करूँगा माइक की तो ये वीडियो नहीं बनाने देते, जो माइक की प्लेसमेंट है मैं इधर कर दूंगा तो सही आवाज़ आएगी एकदम। सो यही था यार आज का व्लॉग। सो मिलते हैं मेरे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, सब राइट से दिस इज की फिल्म साइनिंग ऑफ टिलन बाय गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और जो भी आपके क्वेश्चन है मेरे से पूछने आप सब लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाओ राइट करो लिखो, मैं आपको आंसर दूंगा 2-3 दिन बाद, उसकी वीडियो आएगी प्रॉपर। तो बस गाइज मिलते हैं मेरे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे होम स्टे सेफ।